वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ एटी एक्वेडिक्स में, जो ठाणे ईस्ट में है। और यहाँ पे अभी बहुत सा फिश स्टॉक्स है और यूनिक बीटास है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, और कुछ एक्वेरियम एसेसरीज है वो भी हम आज देखेंगे। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिश स्टॉक देखने के पहले यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं पहले। हाय आत्मा सर। हाय। तो मुझे बोलना था आपको कि बहुत ही अच्छा अपना रिस्पॉन्स आया, जो अपन ने एक्वेरियम हॉबीज के जो वीडियो बनाए थे, राइट, और राइट। उसके लिए भी बहुत से मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि और भी बनाइए और हमारे घर पे भी आइए, तो वो भी हम जरूर करेंगे। श्योरली हम लोग जरूर करेंगे, अभी जल्दी करने का ट्राई करेंगे। थिंग इज दैट तभी अभी शेड्यूल बिजी हो जाता है, बट देन वील श्योरली मेक, क्योंकि मेरे भी क्लाइंट्स है जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उन्होंने भी बोला कि दिस इज अ गुड कंसेप्ट। तो पीपल में अवेयरनेस आती है कि कीपिंग अ फिश टैंक इज नॉट जस्ट एन हेडेक, कि भाई पानी चेंज करना है, उनका टेंशन वगैरह, दैट इज नॉट समथिंग, पर उनका बोलते हैं एडवांटेज बहुत ज्यादा है टू कीप। सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन मी द फीडबैक, एंड आल्सो अदर क्लाइंट्स हु आई हैव नॉट एबल टू कवर इन द लास्ट वीडियो, हम लोग ट्राई कर रहे हैं वापस एक नया वही टाइप का वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी, जिसमें हम लोग सेम थिंग करेंगे, क्लाइंट के घर विजिट जाके विल शो व्हाट कलेक्शन दे आर हैविंग। ओके ओके। और आज में क्या देखने मिलेगा हमें हमारे हॉबीज को? तो आज भी बहुत सारा एक यूनिक स्टॉक आया हुआ है, एक्जोटिक स्टॉक आया हुआ है, उसमें अरवानास है एंड देन बेटास बहुत अच्छे अच्छे है, सम प्लेटीज है जो यूनिक है, सम एक्जोटिक वैरायटी लाइक बैंडेड लेप्रनस करके है, पीकॉक बास है, ऑस्कर्स है, तो वी हैव लो टेक प्लांट्स है, तो काफी सारा है आज। मे बी पीपल विल एंजॉय दिस वीडियो एज वेल, तो वॉच टिल द एंड, मे बी आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं मिले देंगे या फिर जो आप ढूंढ रहे हो महीनों से या सालों से। तो विल स्टार्ट द वीडियो। श्योर। 4 फीट का जो टैंक है और इसमें ये गोल्डन हाईबैक अरवाना है और ये कियानू फार्म का है, राइट? राइट। अभी ये अरवाना है जिसका ब्रीड या स्ट्रेन नेम है दैट इज हाईबैक गोल्डन अरवाना। ओके। तो ये ब्रीड का नाम है हाईबैक गोल्डन अरवाना। तो व्हाट इज हाईबैक अरवाना? इट हैज बिट मोर स्केल देन नॉर्मल आरटीजी अरवाना। ये एक डिफरेंस है इन एशियन अरवाना में आरटीजी और हाईबैक में। सो दिस इज अ बेसिक अरवाना जिनका कलर डार्क गोल्डन हो जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम नाउ इन दिस एज इटसेल्फ उसका टॉप थोड़ा डार्क होने लगा है एंड द टेल इज एब्सोल्यूट रेड, रेडिश है। जबकि मैंने एक बेसिक लाइटिंग लगाई है, अगर मैं एक्चुअल टैनिंग लाइटिंग लगा दूं तो इट विल टर्न रियली डार्क सूनर। तो नाउ दिस इज फ्रॉम कैनू फार्म। अभी कैनू फार्म इज ऑल्सो एन फार्म जो बहुत फेमस है ये फील्ड में और ये अरवाना सेलिंग में, तो दे ऑल्सो सेल रियली जेन्युइन अरवाना। यू कैन सी द सर्टिफिकेट जिसमें आप देख सकते हो, देयर इज एन लोगो ऑफ देम, ये कैनू फार्म बोलते हैं उसको। तो पीपल आर वेरी कंफ्यूज के कौन सा फार्म है ये, किसका फार्म है, तो कैनू क्यानू, तो देर आर मेनी प्रोनाउंसिएशन, बट या दिस इज द नेम ऑफ द फार्म एंड ये सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं टू नो द जेन्युइनिटी ऑफ द अरवाना। तो नाउ आई विल शो यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट मैंने बोला था कि क्यों दिया जाता है, बट नाउ हाउ टू नो इफ द थिंग इज जेन्युइन, दे हैव गिवन एन बारकोड इन द सर्टिफिकेट, यू कैन सी। तो इफ एनीवन वांट्स, हु इज गोइंग टू बाय एन अरवाना and who wants to know that if this is certificate is made by someone or duplicate or something or some doubt, jisko thoda bhi doubt hai ki nahi yaar mujhe ye genuine nahi lag raha hai, to you can use this application, jo bhi main bol sakta hu, google, apna basic google app aapko use karna hai, ha ha, to jisme aapko google lens karke option aayega, to google lens option aayega, you have to search with the camera option aur aapko ye barcode scan karna hai, to uske upar ek link dikh jayega, to you have to click on the link, तो आपको पूरा अवर एशियन अरवाना करके कैनू फार्म का पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये किस फार्म का है, ऑथेंटिकेटर अरवाना सर्च, मतलब पूरा, अगर आपको ये सर्च करना है मतलब प्लीज प्रोवाइड बारकोड और लुकअप और नंबर डालते हो तो देन यू विल द बर्थ डेट जो ऑलरेडी दिया गया है, बट डिट दिस हेल्प्स टू नो द जेन्युइनिटी ऑफ द फार्म। तो दिस इज व्हाट द पर्पज ऑफ बारकोड इज एंड दिस इज कैनू फार्म अरवाना। यू कैन सी एट दिस एज इटसेल्फ वो बहुत डार्क हो चुका है, बहुत रेडिश कलर दिखा रहा है एंड वेरी फ्रेश
एंड आई यू ऑलवेज नो दैट मैं हमेशा मेरे अरवानास को ड्राई फीड पे रखता हूँ. आई नेवर गिव देम गोल्ड फिश और एनी ऑफ द फीडिंग काइंड ऑफ स्टफ जो प्रॉब्लम कर सकता है. एंड वन मोर स्टफ विच आई गिव इज मील वर्म, जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे व्हाट इज मील वर्म, क्यों देना चाहिए वो. एंड अदर फिश जो आप ये टैंक में देख रहे हो दैट इज क्लाउन नाइफ. सो व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाउन नाइफ, यू कैन सी द शेप ऑफ द फिश इज लाइक नाइफ, नाइफ ऑफ द शेफ, जो बड़ी शेफ होटल्स में यूज करते हैं, जो शेफ यूज करते हैं, दैट्स द रीजन दे हैव गॉट द नेम फ्रॉम. एंड क्लाउन इज बिकॉज ऑफ द स्पॉट और द पैटर्न विच दे आर हैविंग. सो दिस आर ऑल्सो कंसिडर इन टू एन मॉन्स्टर वराइटी. अगर जो पूछते हैं लोग कि हम अरवाना के साथ क्या रखे, क्या जो जिनको मारेगा नहीं वगैरह, तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. इनका स्ट्रक्चर इज सेम लाइक ब्लैक गोस्ट, स्मॉल वर्जन इसका, उसका बड़ा वर्जन है ये. एंड यू कैन सी द शेप, द वे दे आर स्विमिंग इज वेरी कूल, सेम लाइक अरवाना. और उनका पैटर्न भी देख सकते हो. दिस इज समथिंग के आप रखोगे टैंक में आपके, तो योर गेस्ट और योर फ्रेंड्स विल रियली लाइक टू नो अबाउट दिस फिश. दिस फिश इज ऑल्सो फीडिंग ऑन ड्राई फीड. अगर आप चाहिए तो आप और भी कुछ दे सकते हो, इट्स योर चॉइस, बॉयल एग और समथिंग, बट समथिंग विच विल नॉट स्पॉइल योर वाटर क्वालिटी. ये सब देना चाहिए. एंड दिस आर गुड कंपेटेबल विथ अरवाना. ओके, और ये भी सेमी एग्रेसिव जैसा. दिस आर सेमी एग्रेसिव, दिस आर समथिंग जो मारेंगे नहीं, बट देन दे विल नॉट ऑल्सो टेक फ्रॉम समवन. मतलब वो मार भी नहीं खाएंगे ना मारेंगे, अनलेस एंड अंटिल उन पे अगर कोई अटैक हो रहा है, देन दैट इज द पॉइंट व्हेन दे नो हाउ टू सेल्फ डिफेंस देमसेल्फ. बट आप देख सकते हो उनका मूवमेंट बहुत अच्छा है. या और ये अराउंड अभी 10 इंचेस से 1 फीट के बीच में है. 12 इंच आप बोल सकते हो 1 फीट में. और अरवाना इज अबाउट 8 टू 9 इंचेस के बीच में है. ओके, तो दिस इज दिस बोथ वैरायटीज आर अवेलेबल फॉर सेल, रेयर वैरायटी. और अरवाना तो हमेशा फेवरेट सबका रहा है. तो दिस इज हाई बैक गोल्डन अरवाना. ओके, और इसका प्राइस कैसा है अरवाना का? प्राइस नाउ सी, दिस अरवाना इज इन द ऑफर रेट नाउ. ओके, अभी ये 8 से 9 इंच का कैनू फार्म का होने के बावजूद द रेट आई एम गिविंग इज 12,500. एंड इफ यू गो फॉर ऑल दिस थ्री मॉन्स्टर्स, दैट इज टू क्लाउन नाइफ एंड अरवाना, तो और डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके ओके, अनलेस यू आर टेकिंग ऑल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग बोलते हैं मुझे एक ही क्लाउन चाहिए एंड अरवाना, देन द ऑफर इज नॉट वैलिड. ऑफर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सब एक साथ ले रहे हो, बिकॉज दैट इज समथिंग उनका एक पैक्ट बन गया है, दे आर नॉट हर्टिंग ईच अदर, तो आपको भी ईजी होगा टू सेट. और आपको अगर जो भी इनका डिस्काउंट रेट है जो ये तीनों फिशेस के लिए, तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हो या विजिट कीजिए. और ये तीनों फिश अच्छा सेट हो गया, मेरे को लगता है ये कुछ वीक्स हो गए होंगे शायद. राइट, इनको अभी काफी वीक हो गए, मतलब 20 डेज मेरे पास हो गए हैं. दे हैव गॉन थ्रू बट क्वारंटाइन फॉर 10 डेज मेरे घर पे, उसके बाद में यहाँ लाए गए हैं इन द शॉप. एंड दे आर फिट इनफ, आप मुझे नहीं लगता किसी को स्ट्रगल होगी सेट करवाने में. यू कैन सी दे आर मूविंग अराउंड, कोई किसी को ऐसा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है एंड ना एक दूसरे को कोई चेस कर रहा है टू बाइट और समथिंग, फ्रीली घूम रहे. राइट, और ये इनके अगर ये पैर का कैसा है प्राइस क्लाउन? अगर आप क्लाउन का पैर लेते हो तो इट कम्स फॉर 6,500. ओके, 12 इंच का साइज है ये. फ्रेंड्स, ये 3 फीट का टैंक है और इसमें ये बैक ड्रॉप पे आप जो देख रहे हो ये फाइबर का शोपीस है. राइट, यस, ये आपको मेरे इधर मिल जाएगा. अदर शोपीस एज वेल विल शो इन द वीडियो. Okay. तो ये आपको साइज अगर चाहते हो तो दिस इज 18 इंच इन लेंथ. ऐसा 18 इंच है और हाइट यू कैन कंसीडर इज 12 इंचेस है. या तो ये एक फाइबर का है, दैट इज इट इज नॉट हैवी. लोगों को देखने में लगता है कि स्टोन्स आर पेंटेड एंड देन कैप, बट इट वर्क्स वेल विथ ऑल द सिकलेट्स हुआ, पैरेट्स हुआ, दे फाइंड अ रियली हाइडिंग गुड हाइडिंग स्पेस. और आपको कोई ऐसा अननेचुरल भी नहीं लगता है. तो इट लुक्स नेचुरल एज वेल एज फिशेस ऑल्सो एंजॉय. एंड द पेंट और द मटेरियल विच इज यूज इज सेफ फॉर फिशेस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और ये अच्छा खासा इसका हाइडिंग स्पेस है और लुक भी अच्छा है. राइट, इट इज कंसीडर टू बी अ 3D काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज क्योंकि उनका आगे तीन लेयर आ रहे हैं. एक स्टोन है जो ऊपर वाला जो पीछे है, उसके बाद में देर इज अ मिडल स्टोन, उसके बाद में बहुत आगे एक स्टोन है. तो इट इज एन 3D काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. अगर आप पीछे के बैकग्राउंड में चिपका के रखते हो, इट विल फील रियली नेचुरल एंड 3D. और ये ब्लैक बैकग्राउंड में बहुत अच्छा उठ के दिख रहा है. राइट और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें बैंडेड लेपरोनीज है जो अराउंड 3 इंचेस के, और पैरट फिशेज है ये भी अराउंड 2.5 से 3 इंचेस है. फिर ऑस्कर्स है, टाइगर ऑस्कर्स है, ये भी 3 इंचेस के. और ये बैंडेड लेपरोनीज अच्छा साइज पकड़ते हैं. राइट, 6 इंचेस प्लस. सो दिस आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ मॉन्स्टर वैरायटी, जो अभी हमारे पास 3 इंच में आए हैं. तो दिस आर काइंड ऑफ फिशेस विच कैन सेटल विद एनी फिशेस, अनलेस कोई उनको उंगली नहीं करे, बिकॉज दे आर ओके फाइटिंग बैक.
तो फास्ट मूविंग फिश है और उनके जो बैंड्स है दैट इज समथिंग विच स्टैंड्स आउट। आपके टैंक में जेब्रा स्ट्रक्चर वाला कोई फिश नहीं मिलता इन मॉन्स्टर वैरायटी, नहीं मिलता यार। तो दिस इज समथिंग जिनके प्रोमिनेंट बैंड्स दिखते हैं इजीली सेट हो जाए, और मेरे पास ये सेट हो चुके हैं फिशेस, मतलब मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है उनको फीडिंग के लिए। दे कैन दे आर पिकिंग एनी फूड, ड्राई फूड, सो दे आर सेट। एंड ऑल्सो यू कैन सी रेड पैरेट्स आर ऑल्सो सेट, नो प्रॉब्लम, वो लोग खा रहे पी रहे। येल्लो पैरेट्स आर ऑल्सो सेट, एंड देर आर रेड टाइगर ऑस्कर। अभी नॉर्मल टाइगर ऑस्कर से ये थोड़ा डिफरेंट है, द पैटर्न्स आर रेड इन कलर एंड द रेस्ट बॉडी इज काइंड ऑफ वेलवेट वेलवेट जैसा है। तो आप ब्लैक वो व्हाइट स्टोन पे आप देख सकते हो, दे आर एंजॉइंग एंड दे लुक रियली अमेजिंग। दिस फिशेज आर अमेजिंग, रेड टाइगर ऑस्कर एंड बैंडेड लेप्रनस, दिस आर ऑल्सो रियली ग्रेट फिश। तो इनका कैसा है प्राइस? बैंडेड लेप्रनस, बैंडेड लेप्रनस आपको मिल जाएगा 550 अ पेयर। ओके ओके, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस है फ्रेंड्स। राइट, क्योंकि ये मैं थोड़ा कम रेट में इसलिए बेच रहा हूँ टू प्रमोट दिस टू द एक्वेरियन हॉबीस्ट, क्योंकि हॉबीस्ट को थोड़ा ये न्यू वैरायटी ट्राई करने में दे हेजिटेट, दे से दैट के ज़्यादा पैसा डाल के इफ अरवाना ईट्स देम और समथिंग तो हम लोग लॉस में जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम गिविंग इट लोअर, डोंट कंसिडर के क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन रहेगा। तो दिस इज रियली ग्रेट क्वालिटी, बट आई एम हेल्पिंग हॉबीज गाय। और पैरेट फिशेस है, उनका प्राइस कैसे है? पैरेट फिशेस आपको 600 एंड 700 पेयर मिलेंगे। रेड इज 600 एंड येलो इज 700 पेयर। ओके, एंड ऑस्कर्स? ऑस्कर्स आपको 350 अ पेयर मिलेंगे। अभी एक पेयर बचा है रेड टाइगर का, एंड अदर ऑस्कर्स वी आर हैविंग विल सी इन द वीडियो, येलो एंड रेड ऑस्कर। ओके ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे के सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सब स्मॉल फिशेस है। तो ये एक यूनिक मेरे को फिश दिख रहा है, कलरफुल। ये कौन से फिशेज है? दिस आर हाइफिन सनसेट प्लेटी। ओके, हाइफिन सनसेट प्लेटी। ओके, या इनका इनको सनसेट प्लेटी इसलिए जाना था, यू कैन सी द शेड ऑफ द बॉडी इज लाइक व्हेन द सन इज सेटिंग डाउन, तभी कैसा वो शेड आता है, सेम लाइक दैट। एंड एन अदर वराइटी देयर इज हाई फिन, बिकॉज उनका डॉर्सल फिन जो है वो थोड़ा हाई रहता है, एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ दैट। एंड दिस इज अमेजिंग फिश, आई पर्सनली लव द कलर, क्योंकि ये कोई भी बैकग्राउंड में ये ऐसा ही कलर दिखाता है। ओके, तो दिस इज रियली एक्सोटिक वैरायटी एंड एन इजी टू कीप फिश। या और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको मिल जाएंगे 250 अ पेयर। ओके, और फ्रेंड्स ये अराउंड अभी 1.5 से 2 इंचेस के साइजेस में है। राइट, अभी ये प्लेटी लोगों को लगेगा एक नॉर्मल प्लेटी है और 250 अ पेयर, जबकि नॉर्मल दूसरा वाला प्लेटी 50 रुपीज़ 60-80 रुपीज़ पेयर रहता है। तो दिस आर एक्सोटिक, सो कंसिडर इट के इसके लिए उसका रेट हाई है। डोंट लाइक, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कमेंट्स में कि बहुत एक्सपेंसिव है प्लेटी वगैरह, बट देन दिस आर एक्सोटिक प्लेटी, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन यू कैन डू द जजमेंट। और ये सब जगह आपको देखने नहीं मिलेगा, ये रेयर वैरायटी जो हमेशा नहीं अवेलेबल रहता। राइट, मेरे इधर भी सालों में एक बार आता है, तो दिस इज समथिंग विच वी गेट वंस अ ईयर। तो ये एक और एक टैंक है और इसमें सिल्वर टिप टेट्रा है, और दूसरे फिशेस कौन से हैं? उनको ब्लू आई ब्लैक पेलमेरी बोलते हैं। उनके आई लेंस यू कैन सी के उनके आई लेंस देखो ब्लू, नियॉन ब्लू चमकते हैं। एंड द रेस्ट बॉडी इज जेट ब्लैक, मतलब एक ही टेट्रा है हमारे हॉबी में विच इज कम्प्लीटली ब्लैक। मतलब आपको प्लांटेशन में अगर इनको डालते हो द ब्लैक थिंग बहुत डार्क हो जाता है और आपको एक यूनिक कलर मिलता है, क्योंकि नॉर्मल दूसरे टेट्राज में फुल ब्लैक कलर है नहीं। तो दिस आर ऑल्सो सेट, ये आपको मिल जाते हैं 150 अ पेयर। और ये अराउंड 1.5 इंच से 1.5 इंच के बीच में। राइट, 1.5 इंच के से 1.5 इंच। द स्ट्रक्चर ऑफ द फिश इज सेम लाइक एम्परर टेट्रा, एम्परर टेट्रा करके टेट्रा है। तो वैसी तरह उनका टेल्स वगैरह है, बट द कलरेशन यू कैन सी द ब्लू आईज एंड ब्लैक, वो बहुत अमेजिंग फिश है ये। और सिल्वर टिप टेट्रा? सिल्वर टिप टेट्रा आपको एक 80 रुपीज पेयर में मिल जाएंगे। ओके ओके, और ये भी फ्रेंड्स अराउंड 1.5 इंच के साइज में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नियॉन टेट्राज है और एक बीटा फिश है, और बीटा फिश का एक अच्छा सा एक्जॉटिक स्टॉक का है प्लाकार्ट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये नियॉन का कैसा है प्राइस रेंज? सो नियॉन नॉर्मली इफ़ यू बाय अ पेयर तो 80 रुपीज में आएगा। ओके, अगर आप डजन बाय करते हो तो 240 डजन आएगा। राइट, तो डजन ही अच्छा है, चीप है। राइट, चीप भी है एंड बहुत अच्छा साइज भी है। दे हैव बीन सेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज साइज है ये, जो कैमरा में पता नहीं दिख रहा है नहीं, बट देन दिस इज लार्जर देन नॉर्मल नियॉन। और सेट हो चुका है, दे आर फीडिंग ऑन डिफरेंट पैलेट्स लाइक हिकारी, टायोबिट्स एंड टेट्राबिट्स। ओके ओके, तो सब कलर वो दिखा रहे हैं, दिस इज नेचुरल कलर विच नियॉन टेट्रा इज हैविंग।
और स्कूलिंग फिश है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि टेट्रा आप स्कूलिंग में ले लो, 12 ले लो या 24 ले लो, बिकॉज दिस आर नॉट समवन विच विल नीड मोर स्पेस. तो लोगों को कभी कभी डाउट रहता है कि मेरे पास कम जगह बची है तो मैं दो डाल देता हूँ, देन यू आर ऑलरेडी प्लानिंग टू मेक देम लाइक डाई. तो बेटर है कि आप ग्रुप ले लो, दे विल इजीली सर्वाइव. और एक पेंसिल फिश है यार, राइट? या दैट आर दोज आर गोल्डन पेंसिल. या गोल्डन पेंसिल्स है ये भी, अराउंड 1.5-1.5 इंच के साइज में है. राइट राइट. तो दे गोल्डन पेंसिल का स्पेशलिटी ये है कि उनकी एक गोल्डन लाइन रहती है एंड दे ग्रो बिट बिगर देन नियॉन एंड अदर टेट्रास. ओके ओके ओके. तो उनका कैसा है प्राइस रेंज? वो आपको 150 अ पेयर मिल जाएगा. ओके 150 अ पेयर. ओके ओके. ड्वार्फ हनीगोरा मिली. ड्वार्फ हनीगोरा. ये भी ड्वार्फ वैरायटी है, प्लांटेशन का वैरायटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. नॉट लाइक नॉर्मल गोल्डन हनीगोरामी जो रहता है लोकल में, विच कम्स फॉर अमाउंट 50 rupees पेयर और समथिंग लाइक दैट, वो वाला नहीं है ये. तो दिस आर प्लांटेशन, दिस विल नॉट हार्म एनी प्लांट, नीदर दे विल हार्म टेट्रास. तो ये टेट्रास वगैरह के साथ कंपेटेबल फिश है. गोल्डन कलर आता है उनको और टेल टर्न्स टू बी रेड थोड़ा बड़ा होने के बाद या मैच्योर होने के बाद. एंड वेरी डेलिकेट फिश, स्मॉल फिश है और इट ग्रोज रियली शॉर्ट, बट देन प्लांटेशन में वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, बिकॉज सम पीपल आर डूइंग प्लांटेशन विदाउट ऑक्सीजन, जैसे बाउल में हुआ, बाउल में हो गया. तो नॉर्मल गुरामी डालोगे तो इट विल ग्रो एंड डिस्टर्ब द प्लांट्स, बट ये गुरामी ना ग्रो होगा ना डिस्टर्ब करेगा प्लांट्स को. ओके ओके. और इसका क्या प्राइस है? ये आपको आएगा 150 पेयर. ओके ओके. और यहाँ पे रमिनोस टेट्रास है, ये देखिए, और अल्बाइनो प्लेकोस भी है हर एक टैंक में, आप देख सकते हो. और ये स्टोन है, राइट? राइट, दिस इज जस्ट एन नॉर्मल स्टोन जो मैंने एक बाउल में रखा हुआ है, या ग्लास बोल सकते हो, टू क्रिएट ए नॉर्मल स्ट्रक्चर. बट आप देख सकते हो वो एंजॉय कर रहे हैं फिशेस. तो बहुत अच्छा ये भी स्ट्रक्चर दिख रहा है. एंड रमिनोस टेट्रा रोलिंग अराउंड दैट स्टोन. तो रमिनोस टेट्रा भी आपको पता है कि ये भी बहुत एक हैपनिंग हॉबीस्ट के फिशेस है, ग्रुप में स्कूलिंग करने वाले फिशेस है, एंड दे ऑल्सो एन्जॉय यू कैन से स्कूलिंग. तो ट्राई करो, ये भी ग्रुप में ले लो एंड यू विल रियली एन्जॉय दिस फिश. और इनका कैसा है प्राइस में? ये आपको आ जाएगा 90 rupees अ पेयर एंड डजन आपको मिल जाएगा 480 डजन. ओके. तो फ्रेंड्स, डजन में आप लोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है प्राइस का, और फिशेस भी दिखने में आते हैं ग्रुप में जब घूमते हैं तभी. तो आप लोगे पैर या 2-3 पैर लोगे तो वो इतना दिखने में नहीं आएगा आपके बड़े टैंक में, क्योंकि ये सब स्मॉल साइज के फिशेज है. तो भी ये साइज आप बोल सकते 1.25 इंच है ये भी. राइट. और ये फिशेस के है दिखने में भी आएंगे, एंड यू हैव टू कंसिडर कि आपके कुछ गलती से 1-2 मिस या डाई हो जाएंगे. ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू गिव फेक होप्स टू पीपल के नहीं आप 4 लोगे तो 4 ही जिंदा रहेंगे. एंड सी टेट्रा वैरायटी इवन वी बाय इन अ लॉट, रीजन इज दैट वी हैव टू कंसिडर अराउंड 2% या 2% तो मोर्टेलिटी हो सकता है. तो इट्स बेटर यू टेक इन टू दैट 2% इन टू कंसिडरेशन एंड देन बाय टेट्रा. तो फिर क्या होगा, अगर आप 12 बाय कर रहे हो तो मे बी आपके पास 10 सर्वाइव करेंगे, एंड देन वंस दे सेट दे विल नॉट डाई. बट वो आप कंसिडर करो, क्योंकि लोग लेते हैं आई एम टेकिंग, मुझे मेरे 6 की जगह है एंड दे बाय ओनली 6, तो देन 2 मरेंगे तो वापस 2 ढूंढने के लिए आएंगे, तब तक वो दूसरे सेट हो जाएंगे, ये नहीं सेट हो जाएंगे. तो इट्स बेटर बाय समथिंग जो एक साथ सेट हो जाए ना, अगला आपको ऐड करना पड़े जल्दी ना आपको टैंक का पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाए. और यहाँ पे हार्लिक्विन रास्बोराज है, ये भी 1 inches है, कुछ थोड़े बड़े हैं इसमें भी, और अच्छा कलरेशन है इनमें अभी, ये अच्छा सेट भी हो गए. राइट राइट. दिस इज हार्लिक्विन, हार्लिक्विन रास्बोरा आल्सो नोन एज लैम्प चॉप रास्बोरा. ओके. तो ये भी बहुत अच्छा फिश है इन प्लांटेशन, बहुत ग्रुप में घूमने वाला है, एंड गोल्डन कलर एंड रेड रेडिश स्टोन आ जाता है उसके ऊपर. आपने हमारे वो दूसरे क्लाइंट्स के वीडियो में देखा, था मैंने फर्स्ट जो है हमने किया था एक्वास्केप का, आप वीडियो देखोगे तो इसमें देखोगे, तो ये देखोगे एक्चुअल हाई लाइटिंग या प्लांटेशन लाइटिंग में कैसे दिखते हैं. इन द शॉप वी नॉर्मली डू नेटिंग, क्योंकि पकड़ना पड़ता है, तो दे डोंट शो एक्चुअल एक्सप्लोजर ऑफ द कलर व्हाट दे आर एक्चुअली हैविंग. बट आपको घर में बेटर, हमेशा आप याद रखना कि फिशेस शॉप से ज़्यादा आपको घर में कलर दिखाएंगे. रीजन इज दैट इन आर हाउस
आप ज्यादा नेटिंग नहीं करते हाँ। यहाँ पे हमें एवरी टू मतलब टू आवर्स में कोई कस्टमर आएगा आई वांट दैट फिश आई हैव टू नेट नेट डालना पड़ता है तो देन दे गेट स्ट्रेस तो वो थोड़ा कलर कम दिखाते हैं दो नेटिंग इज ऑल्सो उसमें भी बहुत टेक्निक रहती है वी डोंट नेट इन अ वे दैट वो दूसरों को हार्म करे दूसरे फिशेस को तो बट देन स्टिल दे गेट स्ट्रेस एंड द कलर एक्सपोजर वो नहीं दिखाते उतना देखिए ये पूरा लोटेक प्लांट्स है पर ये इससे भी और अच्छा कलेक्शन लोटेक प्लांट्स का है जो बैक साइड में टैंक है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में पर अभी इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है शॉर्ट बॉडी और बहुत ही कलरफुल है आप देख सकते हो ये नेचुरल इनका कलर है कोई ऐसा ये नहीं है कि हार्मोन्स डाला हुआ है इसमें जैसे फ्लावर ऑन में यूज़ करते लोग तो ये देखिए कितना शाइन हो रहा है इसका कलर पूरा इलेक्ट्रिक ब्लू है और बैक साइड में डेनिसन बार्ब है राइट डेनिसन इज बार्ब है और नियॉन रेनबोज भी है यहाँ पे जो अराउंड रहेंगे 1.5 इंचेस के साइज़ में डेनिसन बाब्स जो है वो 2 इंचेस से थोड़े बड़े भी है इसमें और ये रैम्स जो है ये नहीं करते रेनबोज को मारते नहीं नहीं सो रैम्स के बारे में बहुत डिफ़िकल्ट या आप बोल सकते हो बहुत ख़राब सजेशन बनाया गया है या जजमेंट बनाया गया है कि रैम्स आर समवन दैट एग्रेसिव है वो हिट करेंगे मैं टेट्रा को नहीं रख सकता उनके साथ मेरे रैम्स ने टेट्रा खा लिए सो दैट इज़ समथिंग आई वुड से कि टेट्राज माइट बी वीक या फिर टेट्राज आपको कम क्वांटिटी में रहेंगे इसलिए उन्होंने खाए रहेंगे दैट्स द रीजन आई ऑलवेज सजेस्ट कि टेट्राज कभी भी ग्रुप में लो ग्रुप स्कूलिंग में लो ताकि दे डोंट हार्म नाउ इन दिस वीडियो यू कैन सी मेरा रैम कोई भी दूसरे फिशेस के ऊपर नहीं जा रहा है तो दे नॉर्मली डोंट गो अनलेस एंड अंटिल कम क्वांटिटी है तो दे विल ट्राई टू गो और अगर वो वीक है फिशेस तो मारेंगे वरना रैम्स आर समवन आई वुड 100% गारंटी वो खुद हार्म नहीं करने जाते दे देमसेल्फ प्ले विद ईच अदर पर ऐसा कभी दूसरे वैरायटी पे नहीं जाते ना टेट्रा पे जाएंगे ना कार्डिनल्स ना नियॉन ओके ओके या तो रैम्स आर समथिंग और ये आप देख सकते हो देयर इज नो फिल्टर यूज इन द वीडियो ये नेचुरल कलर है जो सेट हो चुके हैं दैट्स द रीजन दे आर हैविंग रियली अमेजिंग कलर और आप जब भी विजिट कर सकते हो आप खुद भी देख सकते हो एंड देन यू कैन बाय दिस आर अमेजिंग स्पीशीज या और एक बड़े साइज का हॉकी स्टिक भी है बैक साइड में राइट वो एक हॉकी स्टिक बच गया है इट केम फॉर अबाउट मेरे हर वीडियो में दिखेगा आपको बिकॉज़ आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल इट अगर कोई इंटरेस्टेड होगा आई विल श्योरली गिव बट देन अभी तक मैंने प्रमोट नहीं किया है उसे बिकॉज ही इज ग्रोइंग अराउंड इन माई टैंक इटसेल्फ और ये जो रैम्स है इनका कैसा है प्राइस रेंज ये रैम्स आपको मिलेंगे 650 अ पेयर ओके 650 अ पेयर बिकॉज इलेक्ट्रिक रैम्स है ये और नॉर्मल बलून रैम्स आते हैं वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव रहते हैं बट दिस आर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ भी अच्छा है और डेनिसन बार्ब आपको 100 रुपीज पैर मिलेंगे ओके और रेनबोज नियॉन रेनबो 80 रुपीज अ पैर ओके 80 रुपीज अ पैर एंड इसमें भी आपको प्लांट्स में मैं दिखाऊंगा दिस आर रेड लिली ओके रेड लिली या तो लिली और टाइगर लिली और सिम्फेंसिस लोटस भी बोलते हैं उसको दिस आर समवन जिनके लीफ ऊपर आके फ्लोट हो जाते हैं ओके ऑन वाटर सरफेस ऑफ द वाटर एंड ओनली अ थ्रेड काइंड ऑफ स्टेम जो नीचे तक जाता है बल्ब तक अच्छा सो दिस आर नाउ ओनली लास्ट बल्ब इज रिमेनिंग यू कैन सी वन बल्ब में इतने लीव्स आए हुए तो दिस इज रेड लिली टाइगर लिली भी बोलते हैं उसको सो दिस इज वन काइंड ऑफ लोटेक प्लांट इसको कोई और केयर या कंडीशन की जरूरत नहीं है ओनली अ लाइट विल वर्क ओके और दूसरा एक है अनुबियास बार्टेरी बोलते हैं उसको ब्रॉड लीफ बार्टेरी सो दिस इज अनुबियास तो हमेशा एवरग्रीन प्लांट है कभी उस प्लांट को कभी रखने में कोई स्ट्रगल नहीं करता अनुबियास बार्टेरी हुआ अनुबियास नाना हुआ तो दिस और ये बहुत इजी कीपिंग प्लांट्स है तो वो दैट इज वन एंड अदर्स आर लो टेक मैं सबके नाम नहीं बताते रहूंगा बिकॉज देन देर आर डिफरेंट टाइप मतलब बहुत वैरायटी है बट ऑल आर लो टेक जब लोग आते हैं लोग समटाइम्स व्हाइल सीइंग द टैंक आप दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा ये हाईटेक प्लांट है CO2 मैंने डाला होगा और CO2 कुछ सिस्टम लगाया होगा तो दैट्स नॉट राइट तो ये मैं प्योर लोटेक प्लांट है क्योंकि मैं अब ना खुद को ना कस्टमर को फूल करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ CO2 यूज़ कर रहा हूँ और सेलिंग करते हुए बोल रहा हूँ कि नहीं CO2 ज़रूरत है आई एम गिविंग ए स्ट्रेट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन कि इनको CO2 की ज़रूरत नहीं है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड द प्लांट्स कम एट माई प्लेस और मैं 10 डेज बाद बेचना चालू करता हूँ स्लोली
तो नॉर्मली रीजन इज दैट के अगर कोई प्लांट नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, इट शुड डाई एट माई प्लेस इंस्टेड ऑफ गोइंग इन क्लाइंट्स टैंक और वहाँ पे वो फंगस पकड़ रहा है कुछ. एंड ऑल्सो देर इज वन कंडीशन के आपकी लाइट बहुत अच्छी इंटेंसिटी की होनी चाहिए. हाँ. क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक सस्ती वाली लाइट लेके या ट्यूब लाइट लेके यूज करो देन वो प्लांट्स का गारंटी मैं नहीं दे सकता. रीजन इज दैट क्योंकि उनको एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है लो टेक को, लाइट. लाइट तो लाइट अगर अच्छी देते हो, आई हैव नेवर सीन एन प्लांट डाइंग. तो लोगों का बहुत से कस्टमर्स बोलते भी है कि नहीं ये दो महीना रह गया और फिर गल गया. तो दैट मीन्स इधर इट इज गिविंग सम, यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स. लाइट थोड़ा चेंज करो. यू कैन विजिट मी एंड देन आई विल शो यू, सजेस्ट यू एन बेस्ट अफोर्डेबल लाइट. महंगी वाली भी नहीं बताऊंगा, एन अफोर्डेबल लाइट विच विल हेल्प योर प्लांट्स टू ग्रो. या तो फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल सा सैंडफॉल शोपीस है. ये अराउंड हाइट में रहेगा कुछ 2 feet का और आप बोल सकते हो ये 1 feet से 1 feet के आसपास है. 1 feet है ये. 1 feet और हाइट में 2 feet से थोड़ा कम या 2 feet ही कंसिडर कर लो. या सो दिस इज सैंडफॉल. ये बड़ा नया कंसेप्ट है जो विच हैज अराइव्ड इन 80 एक्वेटिक्स. तो इट हैज बीन अराउंड अ मंथ. मेरे क्लाइंट को भी 2-3 क्लाइंट को आई हैव गिवन दिस एंड इट इज वर्किंग फाइन. सो ये कंसेप्ट है कि वी हैव टू शो सम वाटरफॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड एक्वेरियम. जो फॉरन में हम लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, पर देन इट इज नॉट कमिंग टू अस. सो दिस इज एन स्मॉल अटेम्प्ट विच इट इज डन एंड आई होप, मतलब ये बहुत अच्छा दिख रहा है. इट हैज केम आउट रियली वेल. और ये सैंड गिर रही है तो नाउ पीपल आस्क कि ये क्या गिर रहा है अंदर से. सो दिस इज एन सैंड. नॉर्मल जो हमारी एक्वेरियम के बॉटम में हम लोग सैंड डालते हैं वही सैंड है जो गिर रही है. एंड इट इज वर्किंग लाइक फाउंटन. वही सैंड अंदर जा रही है. फ्रॉम बैक देर इज एन मोटर विच इज अगेन पुशिंग अप फ्रॉम अपसाइड और डाउन. अभी और एक डाउट है इसमें. ये मैं बेसिक डाउट बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बेसिक लोगों की सोच आएगी कि अगर ये सैंड घूम रही है तो पावर हेड में जाके अटकेगी तो पावर हेड खराब नहीं होगा क्या. तो पावर हेड इज ओनली पुशिंग वाटर. पावर हेड के में कोई सैंड का कनेक्शन या सैंड का इंटरफेरेंस नहीं है. पावर हेड बस पानी को घुमा रहा है एंड जस्ट सैंड इज इन मूविंग इन द सेम बोलते ना लाइन ऑफ पाइप. तो उसमें पावर हेड का बीच में इंटरफेरेंस नहीं है. बट यू कैन सी रियली अमेजिंग है. आपको चाहिए रहेगा यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड सेम पीस आपको मिल जाएगा, सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगी. एंड दिस इज एन अमेजिंग स्ट्रक्चर. दिस इज मेड ऑफ फाइबर. और ये वाइट शुगर सैंड है राइट. या दिस इज नॉर्मल वाइट शुगर सैंड. ओके तो ये सैंड भी इसके साथ ही मिल जाएगा. या सैंड भी आपको मिल जाएगा, पावर हेड भी मिल जाएगा. ओके द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस सेटअप कम्स फॉर अराउंड 5800. अच्छा तो 5800 में आपको सब कुछ आ जाएगा, सैंड एज वेल एज पावर हेड एज वेल एज द स्ट्रक्चर. और एक अच्छा सा लुक आ जाएगा आपका टैंक में. और आप स्मॉल फिशेस रख सकते हो इसके साथ या जो भी है टैंक में. आपका अच्छा लुक देगा ये. क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि ना ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है. वी कैन ओनली कीप इफ आवर टैंक इज बिगर देन 4 feet 6 feet. ऐसा कुछ नहीं. अभी यू कैन सी आई हैव केप्ट इन जस्ट 30 inch के टैंक में मैंने रखा हुआ है. एंड स्टिल फिशेस आर हैविंग इनफ स्पेस. तो फिशेस को there is one more myth among people ki fishes ko jagah nahi hogi. So it is not like that. See fishes hamesha natural feel karna pasand karte instead of spacious tank jo blank hai. Iska mere ko color texture bhi acha laga, pura blackish aur realistic ekdam stone jaisa. Realistic the way sand is falling na, beech mein atak rahi hai and then it is falling down. It really feels like ha bhai pani gir raha hai. There are thousands din mein mere paas, agar aap dekh sakte ho 100 to 50 people aate hai जो ये देखने के लिए 2-3 minutes रुकते हैं एंड दे हैव मेनी क्वेश्चंस. तो होपफुली अगर वो ये वीडियो देखेंगे उनको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएंगे कि कैसे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस. देयर आर मेनी स्मॉल किड्स विच रियली फील फैसिनेटिंग कि ये क्या है, शुगर गिर रही है. या अगर गिर रही है तो नीचे मेरे बेयर बॉटम आप साइड में देख सकते हो, देयर इज नो सैंड. तो दिस इज द ओनली कंपार्टमेंट जहाँ पे सैंड कलेक्ट हो रही है वही ऊपर जा रही है. तो यू डोंट हैव टू हैव एन कंप्लीट सैंड वाला सेटअप के पूरा टैंक में आपको सैंड डालना है और तो ही ये होगा. इट्स नॉट राइट. और इसका ज्यादा मेंटेन करने के भी कोई प्रॉब्लम. राइट राइट. क्योंकि अगर आपका पावर हेड खराब हो रहा है यू विल ऑलवेज गेट इट एट 80 एक्वेटिक्स. पावर हेड मिल जाएगा, देयर इज नथिंग स्पेशल केयर. बस पानी घूम रहा है,
इफ यू एड दिस थिंग्स तो आपको ऑक्सीजन भी लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वाटर इज रोलिंग अराउंड. तो कोई मतलब कोई हार्ड ये नहीं है. तो यू कैन सी देयर आर पर्ल गुरामीज आई हैव केप्ट विद देम. तो पर्ल गुरामीज भी बहुत अच्छा एक एग्जॉटिक वैरायटी है जो गुरामीज के फैमिली में आता है. द पर्ल गुरामी का रीजन ये है, पर्ल बोलेंगे, दे हैव अ स्मॉल पर्ल टाइप ऑफ पैटर्न ऑन द बॉडी. तो ये पर्ल गुरामी है जो मैंने रखे हुए है ये स्ट्रक्चर में. या और पर्ल गुरामी इसका वैसे प्राइस रेंज क्या रहेगा? पर्ल गुरामी आपको आएंगे 150 पेयर. 150 पेयर अराउंड 3 inches है. और ये भी एक बार टैंक में जाएंगे सेट हो जाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलरेशन आता है. राइट राइट. तो दिस आर आल्सो अमेजिंग फिशेस. मतलब एक गुरामी होने के बावजूद बड़ा एग्जॉटिक सा फील देते हैं पर्ल गुरामी. तो फ्रेंड्स ये 2 feet का टैंक है और इसमें ऑस्कर्स है और पिकॉक बास है. और ऑस्कर्स ये अल्बिनो फायर रेड ऑस्कर्स है, ये देखिए. और इनका आप कलरेशन देख सकते हो कितना अच्छा है. और लेमन ऑस्कर्स भी है, ये भी कुछ 3 inches के. और पिकॉक बास है, वो भी 2.5 से 3 inches के. तो ये कौन से पिकॉक बास है? ये आपको इसको बटरफ्लाई पिकॉक बास भी बोलते हैं. ओके. और कभी और कुछ कुछ उसमें 2-3 pieces गोल्डन कैलबेरी भी है. ओके ओके. तो ये पिकॉक बास आपको सबको पता है इट लुक्स लाइक अरवाना. और अरवाना कंपेटेबल भी है, मॉन्स्टर वैरायटी है, बड़े हो जाते हैं, एक 5-6 inches की साइज पकड़ लेते हैं. एंड कंपेटेबल विथ ऑस्कर्स, पैरेट्स, अरवानास. और बहुत काम फिश है. और मैंने इनको ड्राई पे ट्रेन किया है. तो पिकॉक बास बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये बास वैरायटी इनको तो लाइव स्टॉक ही लगेगा. तो दैट्स कम्प्लीटली फॉल्स. मैंने इनको ड्राई में ट्रेन कर चुका है BSF लार्वे. Also, I was giving some azuka chiclet sticks. So all they are eating or set ho chuke hai. So these are golden kilberry peacock bass. Okay, okay. और यहाँ पे आप दूसरा variety जो है Oscars का lime Oscar या mango Oscar बोल सकते हो. और दूसरा red fire Oscar. तो now ये Oscars भी बहुत exotic Oscar रहते हैं. Reason is that they are the color. Okay. आपका पूरा बॉडी पे उनका कलर है. दिस आर नॉट हार्मोन. मतलब आपको देख सकते हो द क्वालिटी और द स्ट्रेन और द ग्रेड ऑफ द ऑस्कर इज रियली गुड. क्योंकि उनका पैटर्न ना कहीं से मिट रहा है ना कलर इज गोइंग. यू कैन सी द कलर्स आर इंटैक्ट, द आईज आर गुड. द रेड कलर अल्बाइनो आईज है. और दिस आर हाई क्वालिटी ऑस्कर्स और बहुत अच्छी रेट में मिल रहे हैं आपको. ऑस्कर्स का रेट आपको यहाँ मिल रहा है 400 पेयर फॉर लाइम ऑस्कर, 350 पेयर फॉर रेड फायर ऑस्कर. ओके ओके. और पिकॉक बास का? पिकॉक बास आपको 1200 rupees अ पेयर. ये भी बहुत कम रेट में दे रहा हूँ क्योंकि ये भी ऑफर रेट में चल रहे हैं. पिकॉक बास आर 1200 अ पेयर. ओके ओके. 6 pieces बचे हुए हैं. या पूरा फीमेल बीटाज है इसमें. और इसमें अलग अलग कलर्स है, रेड बोल सकते हैं, मरून है, ब्लू है. तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको 90 rupees अ पीस मिल जाएगा. ओके 90 rupees. फीमेल बेटा फिश है. या और बहुत अच्छा स्टॉक आया हुआ है. द कलर ग्रेड इज आल्सो गुड एंड फिन्स आर आल्सो गुड. तो ये जस्ट 90 rupees पीस में मिल रहा है फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है. ओके ओके. तो ये 90 rupees ईच मिलेगा फॉर सम टाइम्स. उसके बाद में वंस द स्टॉक इज अबाउट टू बी सोल्ड या फिनिश तभी इसका रेट आ जाता है 120 अ पीस. ओके ओके. तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अभी ऑफर में 90 rupees मिलेगा सिंगल का. इनको मार्बल एंजल्स बोलते हैं. ये आपको अराउंड 10 rupees कॉइन से थोड़े बड़े हुए स्ट्राइकर साइज बोल सकते हो आप. या कैरम स्ट्राइकर साइज. या तो क्योंकि एंजल का साइज हमें राउंड शेप में गिनना पड़ता है. इट इज नॉट लेंथ में 2 inches या समथिंग बिकॉज दे ग्रो फ्लैट एंड राउंड. तो ये आपको मिल जाएंगे जस्ट 50 rupees पैर. ओके. ओनली 50 rupees के पैर ये साइज आपको एंजल मिल रहा है. तो इट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड डील आप बोल सकते हो. क्योंकि एंजल्स और क्वालिटी आप देख सकते हो. ऑल आर सेट, ऑल फीडिंग लेते हैं, ऑल आर फीडेड ऑन ड्राई फूड, नो वन इज स्ट्रेस. तो ये आपको 50 rupees पैर में मिल रहा है. तो दिस इज ऑल्सो एन गुड ऑफर. ये अराउंड रहेंगे 2 inches के साइज में, थोड़े बड़े भी है इसमें. तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिकलेट्स है और पोलर पैरेट्स है और प्लैटिनम पोलर पैरेट्स भी है. और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको 150 पैर में मिल जाएगा. ओके ओके. 150 पैर. दिस आर मलावी सिकलेट्स, एम्बुना भी बोलते हैं इनको. या एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होते. मैक्सिमम इनका 3-4 inches तक साइज जाता है. या एंड अमेजिंग
चिकलेट्स तो हमेशा मेरे फेवरेट है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द फिशेज इज रियली ग्रेट. हमारे पास ओबी पिकॉक सिकलेट्स भी है जो हम दिखाएंगे वीडियो में, और ये मलावी सिकलेट्स है. इनके साथ आपको पोलार पैरेट दिखेंगे, ब्लू पोलार पैरेट जो स्ट्राइप उनको बोलते हैं ब्लू पोलार पैरेट, एंड उन्हीं के टाइप के प्लेटिनम पोलार पैरेट जो व्हाइट कलर में, व्हाइट में. तो पोलार पैरेट एज वेल एज मलावी चिकलेट्स, एम्बुना चिकलेट्स आर ऑल अवेलेबल एट एटी एक्वेटिक्स. आप कभी भी आके विजिट कर सकते हो एंड यू कैन टेक. एंड इनका प्राइस आपको वही है दोनों का 150 पैर. अगर आप डजन लेते हो तो ऑफकोर्स द रेट गोज डाउन. ओके ओके. पोलार पैरेट्स का भी वही है? या पोलार पैरेट्स का भी सेम रेट है. अगर डजन लिया जाता है तो रेट बहुत कम हो जाएगा. तो इस टैंक में सिकलेट्स है, इसमें स्ट्रॉबेरी सिकलेट्स है, पीकॉक सिकलेट्स है, और ये सब अराउंड 2 से 2.5 इंचेस के. और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको आ जाएगा 250 या 200 अ पैर. ओके ओके. और डिपेंड करता है आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो तो उसका भी रेट कम हो जाएगा. सो दिस आर देर आर 3 or 4 वराइटी. एक ट्राई कलर है और एक रेड कोडेंगो है, और उसके बाद में अल्बाइनो स्ट्रॉबेरी है उसमें ट्राई कलर है. तो बहुत 3-4 वराइटी है एंड रियली गुड क्वालिटी और शेप स्ट्रक्चर में है ये फिशेस. या और इस टैंक में जेब्रा डेनियोज है जो अराउंड आप बोल सकते हो 1.25 इंच के साइज़ में. इसमें अलग अलग कलर्स है, येलो है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, देख सकते हो आप कैसे ग्लो हो रहे हैं फ्लोरोसेंट ग्रीन जो है. और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको 50 rupees अ पैर, एंड डजन इफ़ यू गो यू विल गेट फॉर 240 डजन. ओके 240 डजन. ओके तो फ्रेंड्स ये पूरा लोटेक का प्लांट्स है. यहाँ पे पॉट वाइज आपको मिलेंगे, ये देखिए. तो ये सब क्या रेंज में रहेगा स्टार्टिंग? ये स्टार्टिंग रेंज आपको मिल जाता है 100 rupees पर पॉट. ओके ओके. और अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो 80 rupees भी हो जाता है, और ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो 60 rupees भी हो जाता है. या तो दिस आर लो टेक प्लांट सब. आपको इसमें कोई और केयर की ज़रूरत नहीं है. ओनली केयर इनको चाहिए वो है लाइट. लाइट या आप लाइट अच्छी दे दो, ये हमेशा फ्रेश ग्रीन रहेंगे. आप देख सकते हो ये आपके लाइट्स के टाइमिंग के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाते हैं. लाइक अभी जैसे मेरा ये लाइट लगाने का टाइमिंग है तो द फ्लावर्स उनका जो पेटल्स है वो खुल जाता है. एंड इफ द इवनिंग 8 or 9 o'clock बजे जब मेरा बंद करने का टाइम होने को आता है, इवन बिफोर स्विचिंग ऑफ द लाइट वो पहले ही क्लोज हो जाते हैं. तो पीपल थिंक कि नहीं लाइट बंद करेंगे तो ऑफकोर्स बंद होएगा, बट दे हैव देयर शेड्यूल. वो पहले ही बंद हो जाते हैं, देन आफ्टर देन मेरे टाइम पे मैं लाइट्स बंद करता था. बट देन दिस आर लो टेक ग्रीनरी, क्योंकि अगर ग्रीनरी ऐड करते हो आप एक्वेरियम में तो अमेजिंग लुक आता है, नेचुरल लुक आ जाता है. राइट. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग आर्टिफिशियल प्लांट्स आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप प्लांटेशन टैंक बनाना चाहते हो या कोई स्मॉल वराइटी रख रहे हो, गो फॉर लाइव प्लांट. क्योंकि लाइव प्लांट का लुक या केयर करना या फिर उनको कटिंग करना, ट्रिमिंग करना, वो सब में बहुत अलग मज़ा है. आप हॉबी बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते हो. या तो इस टैंक में रेड चेरी बाब्स है और अल्बाइनो रेड चेरी बाब्स है, ये देखिए. ये अराउंड 1 inches के है, और रेड चेरी बाब्स भी 1 inches के है, थोड़े बड़े भी साइज है इसमें. और ये नया वैरायटी है राइट? राइट. अल्बाइनो रेड चेरी बाब इज़ ए न्यू वैरायटी टू द हॉबी. हाँ अभी ये अभी आए हैं, बट देन दे आर अमेजिंग लुकिंग. उनके रेड आइज रहते हैं. एंड अबाउट चेरी बार्ब के बारे में भी मिथ है कि बार्ब है तो इट विल निप अदर टेट्राज या फिर एंजल्स या फिर. तो दिस आर रेड चेरी बार्ब. तो कोई कोई बार्ब उनका नाम होने के बावजूद दे आर नॉट एग्रेसिव. ओके. या दिस आर यू कैन से नॉर्मल टेट्रा वराइटी जैसे है, बस उनका नाम रेड चेरी बार्ब है. एंड दे लुक रियली अमेजिंग प्लांटेशन, क्योंकि वो पूरा रेड ग्लो हो जाते हैं. एंड यू कैन सी इवन नाउ वो पूरा रेड ग्लो कर रहे हैं. रेडिश है पूरा टिंट इनका. यस. आपको ये मेरे इधर 80 rupees पैर मिल जाएगा. ओके. एंड इफ यू गो फॉर डजन 480 rupees डजन आ जाएगा. 480 डजन है. ओके. और ये एक टैंक है जिसमें बोस्मानी रेमबोज है, ऑटो सिंकलर्स है, और पांडागारा है जो ये देखिए लीफ पे अभी आया हुआ है. और बोस्मानी रेमबोज है ये जो अराउंड रहेंगे कुछ 2 inches के साइज में, और ऑटो सिंकलर्स है 1.25 inch के. और इनका क्या प्राइस है बोस्मानी रेमबोज का? बोस्मानी आपको 350 पैर मिलेंगे. अभी आप देख सकते हो इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है. इवन इन 2.5 inch के साइज में ये बहुत अच्छा टोन दिखा रहे हैं. तो अगर ये आपके टैंक में सेट हो जाते हैं दे विल शो अमेजिंग कलर्स. तो इन दिस एज इटसेल्फ वो बहुत अच्छा कलर दिखा रहे हैं. इसमें मेरे पास एक मेल और 2 फीमेल है. ओके.
और दूसरा है पांडागारा, पांडागारा इज अमेजिंग अलगी ईटर, मतलब वो ऐसा फिश है कि आप डालो और आपका अलगे का प्रॉब्लम आप गायब हो जाता है, क्योंकि ऑल स्टोन्स और लीव्स ड्रिफ्टवुड सब वो क्लीन करेगा. दिस इज हाइपर एक्टिव अलगी ईटर. और दूसरा ऑटोसिंक्लस ऑल टाइम फेवरेट, लीव्स क्लीन करना है, आपके लीफ पे अलगे आ रहा है ज़्यादा, या फिर आपको एक कम छोटा साइज में रहने वाला अलगे ईटर चाहिए, गो फॉर ऑटोसिंक्लस और पांडागारा. डोंट एवर ट्राई, आई वुड, इट्स माय सजेशन कि आप अलगे ईटर में चाइनीज अलगे ईटर हुआ, सियामीज अलगे ईटर हुआ, इसको मत रखो, क्योंकि दैट विल ग्रो बिगर. तो दिस आर काइंड ऑफ, ऑलवेज गो फॉर एन अलगेटर जो छोटी साइज रहे, आपको मैनेजेबल रहे, वरना आपको अलगेटर ही आपका आधा खाना खा जा रहा है तो ये फिशेस विल स्टे हंग्री. और इसका क्या प्राइस है पांडागारा का? पांडागारा आपको 350 पैर मिल जाएगा. ओके ओके. एंड ऑटोसिंक्लस द रेट्स हैव बीन बिट हाइक, तो 300 रुपीस पैर. ओके, 300 रुपीस पैर. एंड बोस्मानी रेनबो 350 पैर. ओके. तो इस टैंक में कार्डिनल टेट्रास है, ये सब अराउंड 1 inches के साइज में, और इनका कैसा है प्राइस रेंज? कार्डिनल्स आपको आएंगे पैर 120 एंड डजन इफ यू गो 540 रुपीस डजन. 540 रुपीस. तो ये एक वियतनामीज कार्डिनल है. ओके. ये बहुत अच्छा, उनका रेड और ब्लू कलर बहुत अच्छी तरह शाइन होता है. दे ग्रो बिट बिगर, मतलब दूसरे नॉर्मल कार्डिनल से, एंड शाइन यू कैन सी विदाउट फिल्टर, दे आर शोइंग रियली अमेजिंग स्माइल. और कार्डिनल्स क्यों लेने चाहिए? बिकॉज दे हैव अमेजिंग कलर एंड स्कूलिंग फिश. तो फ्रेंड्स, इस टैंक में रेड स्पॉटेड सिवराम है, और बैक साइड में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसमें नियॉन ब्लू आकार है, ये भी अराउंड 3 inches के, और स्पॉटेड सिवराम ये 2.5 inches के, और यहाँ पे भी एक आकार है, यहाँ पे ये देखिए. तो ये अकारा का क्या प्राइस रेंज है? अकारा आपको मिल जाएंगे 150 अ पैर. ओके, 150 पैर. ये भी बहुत अच्छी डील है, क्योंकि काफी अच्छा साइज है, फिर भी आपको 150 पैर में मिल रहा है. ओके. एंड रेड स्पॉटेड सेवराम आपको मिल जाता है 340 अ पैर. ओके, 340 पैर. ओके ओके. राइट. रेड स्पॉटेड भी थोड़ा बड़ा साइज होएगा ना ये? राइट. ये भी एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर वैरायटी है, ये बड़ी ग्रो होती है, बहुत अच्छी अच्छी मैंने क्लाइंट्स को सेटअप में बहुत बड़ी बड़ी भी दिए हुए हैं. और रेड स्पॉटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके मुंह के पास सब स्पॉट्स आने लगते हैं जैसे वो मैच्योर होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेड स्पॉटेड सेवरम्स. फुल मून OHM बोल सकते हो आप. ओके. तो आप देख सकते हो अमेजिंग कलर आए हुए हैं, जहाँ पे फुल ब्लू, डीप ब्लू, ओशन ब्लू आपको फुल OHM मिल रहा है. एंड देर आर फ्यू रेड, जो रेड तो हमेशा सबका फेवरेट रहता है, तो रेड इज ऑल्सो अवेलेबल. उसके बाद में बटरफ्लाई रेड है जिसके बॉर्डर्स में व्हाइट रहता है. यू कैन सी ऑल आर फिट इनफ रोलिंग अराउंड, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है बेटा रखने में कि मेरा बेटा जगह पे रहता है, दे आर नॉट मूविंग. तो इट्स नॉट केस विद 80 एक्विटिक्स. मैं आपको हमेशा एक हेल्दी बेटा देता हूँ जिसमें द बेटाज आर ऑलवेज सेट. और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको फुल मून OHM आपको 200 रुपीज मिलने मिल जाएंगे. ओके ओके. तो ये देखिए, और ये भी एक अच्छा कलर है यहाँ पे. ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब 200 रुपीज के हैं सिंगल. तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सब प्लकार्ड्स है यहाँ पे, ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन कलर में. यहाँ पे भी है बहुत, ये देखिए सब एकदम एक्टिव, और इनका कलरेशन पैटर्न देख सकते हैं आप. और प्लकार्ड्स का कैसा रेंज है? ये आपको प्लकार्ड्स मिल जाएंगे 250 पैर. ओके, 250 के सिंगल पीस. या 250 का ईच मिल जाएगा. ये जायंट वैरायटी के साइज का है. तो आप देख सकते हो द साइज इज आल्सो गुड, और पैटर्न तो अमेजिंग है. हर एक का अलग अलग यूनिक पैटर्न है, हर एक का यूनिक पैटर्न है, मतलब आप देख सकते हो इट इज रियली अमेजिंग. और ऐसा कलर मिलना बहुत मुश्किल है प्लकार्ड्स में, बट नाउ दे आर अवेलेबल एट 80 एक्वेटिक्स. आप कभी भी आके चेक कर सकते हो. द फिन्स में भी देख सकते हो आप, इनके एक बहुत अच्छा कलर है, एंड टेल्स आर आल्सो परफेक्ट प्लकार्ड. तो आपको मैं, ये अभी अवेलेबल है और बहुत लिमिटेड स्टॉक है, तो ट्राई करो, विजिट करो, जल्दी ले लो, क्योंकि आफ्टर सम मे बी फ्यू डेज ये वीकेंड भी चला जाएगा तो एवरीथिंग गेट्स सोल्ड आउट. या अभी फिलहाल अभी ये वाइट एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं उसमें अभी 5 है टोटल. और भी प्लकार्ड से ऊपर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए एक पूरा, ये फिंस इसका वाइट एंड रेड है कलरेशन. ये देखिए, और यहाँ पे भी एक वाइट पे वाइट, ब्लू एंड मरून कलर में है.
और ये देखिए ये मल्टी कलर है, और एक यहाँ पे भी प्लकार्ट है, ये कैंडी प्लकार्ट है, बहुत अमेजिंग कलर आए हुए हैं, साइज इज ऑल्सो ग्रेट और प्राइस इज ऑल्सो ग्रेट, 250 इज नथिंग बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव आते थे बट नाउ ऑफर रेट चल रहा है जिसमें आपको अच्छा रेट मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट ट्राई टू विजिट, क्योंकि अभी आप स्क्रीनशॉट भी मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हो, बट देन एंड यू कैन आस्क फॉर एन वीडियो ऑफ एन पर्टिकुलर बेटा, बट देन यू कैन बेटर टू कम विजिट एंड सी, क्योंकि क्या होता है वीडियो में एक्चुअल कलर नहीं दिख पाते जो दे आर एक्चुअली अमेजिंग, तो फिर आप वीडियो में मुझसे मांगोगे तो समटाइम्स इन हरी मैं अच्छी वीडियो नहीं निकल पाऊंगा, तो द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फिशेस गोज डाउन, तो दैट्स वाई बेटर है कि आप आके विजिट करो, क्वालिटी देखो फिशेस की, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये फिश, क्योंकि आप पर्सनली देखोगे तो आपको समझेगा बहुत अमेजिंग कलर एंड पैटर्न्स आए हैं बेटर्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे श्रिम्स है, ये कौन से श्रिम्स है? ये ब्लैक क्रिस्टल श्रिम्स है। ओके, तो दिस आर ऑल्सो रेयर वराइटी ऑफ श्रिम्स, इसको ब्लैक क्रिस्टल श्रिम्स बोलते हैं। तो नाउ देर आर मेनी पीपल हु आर वेरी अफ्रेड और फियर्ड ऑफ कीपिंग दिस वराइटी ऑफ श्रिम्स, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये बहुत डेलिकेट होते हैं, इन वन वाटर चेंज ये मर जाते हैं, तो दिस इज समथिंग मे बी आपको बहुत बैड एक्सपीरियंस आया है क्योंकि अब तक आपने मुझसे नहीं लिए श्रिम्स, तो नॉर्मली आई सेट द श्रिम्स, अभी ये श्रिम्स एक नॉर्मल श्रिम के केयर जैसे मैंने सेट कर चुका हूँ, आई चेंज वाटर एवरी 3 डेज, थोड़ा 50% वाटर चेंज कर रहा हूँ, इनको ना टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम है, ना कोई वाटर पैरामीटर का प्रॉब्लम है, ना कोई और इशू है। Okay. तो वो मतलब बहुत ये मिथ बोल सकते हो कि नहीं ये बहुत डेलिकेट है, इट्स नॉट लाइक दैट, आप एक बार लेके देखो, माय क्लाइंट्स हैव टेकन 10 पीस ऑफ ईच रेड क्रिस्टल्स एंड ब्लैक क्रिस्टल्स एंड दे आर स्टिल हैप्पी, मतलब वो पहले कभी रख नहीं पा रहे थे, दे हैव सीन दैट, मैंने उन्होंने बहुत साल पहले ट्राई किया था बट देन ऑल देयर मनी वॉज वेस्टेड क्योंकि मर गए, बट अभी मैंने मेरे से लिया हुआ स्टॉक उनके पास बहुत अच्छी तरह हेल्दी जी रहा है, कुछ कुछ ने ब्रीडिंग भी चालू कर दी है, तो यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द फिशेस आई कीप, आई ट्राई टू सेट देम एंड देन ओनली सेल, ऐसा नहीं है कि आ गया और मैंने बस आपको फॉरवर्ड करके बेच दिया फिश, आई ट्राई टू सेट देम, क्वारंटाइन देम, उसके बाद में मैं सेल करता हूँ। बहुत ही अच्छा कलर है इनका, ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा जैसा, राइट। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको मिल जाता है 450 पैर, ओके 225 पीस। ओके, अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो चांस है थोड़ा प्राइस कम होने का, बट दिस आर एग्जॉटिक, दिस कम्स वंस इन अ ईयर, तो ज़्यादा कम भी जैसे नॉर्मल श्रिम्स का रेट है वो श्रिम्स के रेट से अगर इसका आप रेट कंपेयर करोगे तो डेट वुड बी अनफेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सिल्वर अरवाना है और ये अराउंड रहेंगे कुछ 4 inches के आसपास, ये देखिए। तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये आपको मिल जाएंगे अराउंड, अभी रेट्स हैव बिट गॉट हायर, तो 950 अ पीस। ओके 950 अ पीस, ओके ओके। और ये सेट फिशेस है, ड्राई फूड खा रहे हैं, लार्वे खा रहे हैं, दे हैव बीन इन माय हाउस फॉर अबाउट 20 डेज। ओके, और अभी मैंने यहाँ पे उन्हें स्टोर पे लाया हुआ है, सेट फिशेस है एंड दे आर ईटिंग ड्राई पैलेट्स ओनली। और स्मॉल साइज से आपको लेके स्टार्ट करना है तो बहुत अच्छा है ये 4 inches का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक सिल्वर अरवाना है बड़े साइज का, और इसका साइज कितना रहेगा? ये आपको 8 inch का है। अच्छा 8 inch का है, ओके ओके, ये देखिए। और इसका प्राइस क्या है? ये आपको मिल जाएगा 1500 rupees, 1500। ओके 1500 का आएगा ये सिंगल। तो फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल वीडियो टैंक है, इसमें सब वीडियो टेट्राज अराउंड 1.25 inch के साइज़ में है और बिग साइज़ है ये, और इसमें पिंक है, ग्रीन है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, और मरून है, और येलो भी है, और इनका 80 rupees पैर है प्राइस, और आप डजन लोगे तो 420 rupees का आएगा आपको डजन में, तो अच्छा खासा स्टॉक और हेल्दी स्टॉक है ये। और फ्रेंड्स ये सब स्मॉल फिशेस है यहाँ पे, तो इसमें गोल्डन पेंसिल्स है और एंडलर्स है, तो एंडलर्स का कैसा है प्राइस रेंज? एंडलर्स आपको 120 rupees पैर और 150 rupees पैर, उसमें दो टाइप है, टाइगर एंडलर और नॉर्मल एंडलर, नॉर्मल आपको 120 पैर में मिलेंगे। ओके, और गोल्डन आपको मिलेंगे 150 पैर। और ये पेंसिल है? गोल्डन पेंसिल आपको मिल जाएगा 150 पैर।
ओके 150 पे। गोल्डन पेंसिल के बारे में आपको बताया था, इट इज बिट, इट ग्रोज बिट बिगर देन दैट नॉर्मल टेट्रास और बहुत अच्छा गोल्डन लाइन और टीन दे देता है वो थोड़े बढ़ने के बाद। या और यहाँ पे गप्पीज है राइट? या ये अल्बाइनो कोई गप्पीज बोलते हैं एंड देयर इज आल्सो वन पेयर ऑफ AFR अल्बाइनो फुल रेड गप्पी। तो आप देख सकते हो दिस वन इज विद द हाई डॉर्सल, ये और उसकी फीमेल ये है एंड अदर्स आर कोई क्योंकि उनके रेड नोज गप्पीज भी बोलते हैं उनको उनके मुंह पे एंड बट दिस आर अल्बाइनो। तो ये दोनों वैरायटी अल्बाइनो वैरायटी, अल्बाइनो मींस रेड आई गप्पीज। तो इनका कैसा है प्राइस? ये आपको मिल जाएगा 250 पैर कोई और जो AFR है वो 300 रुपीस पैर। ओके ओके। ये एग्जॉटिक गप्पीज है और वैसे ही मेरे पास ब्लू मॉस्को एक एग्जॉटिक गप्पी और ब्लैक मेटल एग्जॉटिक गप्पी भी अवेलेबल है, आप विजिट करोगे तो आपको दिख जाएंगे। ओके ओके। यहाँ पे स्मॉल शो पीसेस भी मिलेंगे आपको फाइबर्स के, जैसे कि ब्रिजेस है, ये पिलर्स का है यहाँ पे, और ये बड़े साइज के भी है फाइबर के 1 फीट के, और बड़े शो पीसेस भी है इधर। ये देखिए यहाँ पे एक फाइबर का है शोपीस, फिर ये हाइट में कुछ 1.25 फीट रहेगा, ये भी एक अच्छा शोपीस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है 1 फीट का। तो ऐसे अलग अलग फाइबर शोपीस मिलेंगे आप जब भी आओगे यहाँ पे, और ड्रिफ्ट वुड्स भी है, ऐसे ड्रिफ्ट वुड्स भी मिल जाएंगे आपको, और ऐसे रॉक्स भी मिल जाएंगे अलग अलग, और यहाँ पे एप्पल स्नेल्स है वो भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये बड़े साइज़ के एप्पल स्नेल है ये भी मिल जाएंगे इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैट फूड भी मिल जाएंगे आपको प्योर पेट के, ड्राई में भी है ये और ग्रेवी में भी मिल जाएगा वेट फूड, और बर्ड्स के लिए यहाँ पे फूड है, ये देखिए कांग है, और ये सनफ्लावर सीड है राइट? या ये भी अवेलेबल है, और डॉग्स के लिए भी आपको मिल जाएगा फूड, और ये बोन्स भी ऐसे मिल जाएंगे, ये कैल्शियम बोन्स है, देयर आर सम चिकन फ्लेवर का बिस्किट्स है, ओके ओके, डेंटा स्टिक्स है जो आपके डॉग्स के हेल्थ के लिए अच्छा है, ये एप्रो का कैट फूड है, ये भी बहुत यूनिक फूड है जो बहुत जगह नहीं मिलता है। तो दिस इज फूड नॉर्मली जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं एंड ये बहुत अच्छा फूड है बेसिकली, या मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, तो इसका बहुत अच्छा स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो एनी टाइम एनी वन इंटरेस्टेड और इन नीड, या फिर कोई और चीज़ फिश फूड की भी मंगा रहे हो और कैट फूड डॉग फूड भी चाहिए, सेम टाइम यू कैन टेक फ्रॉम मी। ओके ओके। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।